Hello, my dear students. This is Varsha Sharma, your SST teacher, and today we are here with chapter 6 of our history class 7, which is towns, traders, and craftsmen. So, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग टाउन्स के बारे में. चैप्टर के नेम से हमें इजीली पता चल रहा है. अलग अलग टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन के बारे में भी पढ़ेंगे. अब टाउन्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, तो क्या क्या होती है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. मिडाइवल पीरियड में किस किस तरह के टाउन्स एस्टैब्लिश किए गए, कैसे टाउन की स्थापना की गई, प्लस टाउन्स में क्यों उनके नाम स्पेसिफिक पढ़े, स्पेसिफिक तरह के नाम उनके क्यों पढ़े, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. केस स्टडीज पढ़ेंगे सबसे एंड में, विच इज ऑफ हम्पी, सूरत एंड मसूलीपट्टनम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स देखे गए हैं मिडाइवल पीरियड के दौरान, और उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल टाउन्स, टेम्पल टाउन्स, पोर्ट टाउन्स, क्राफ्ट टाउन्स एंड फाउंडेड टाउन्स. अब इनके ये स्पेसिफिक नाम क्यों हैं, तो उनके स्पेसिफिक रीजंस हैं, और उन स्पेसिफिक रीजंस को हम पढ़ेंगे एक के बाद एक. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल टाउन की बात की जाए, तो कैपिटल टाउन उन टाउन्स को कहा गया है जहां पर जो रूलर्स हुआ करते थे उनका कैपिटल हुआ करता था कैपिटल टाउन, और उन प्लेसेस पे वो रूल करते थे. मिडाइवल पीरियड में कई सारे अलग अलग कैपिटल टाउन्स रहे हैं या फिर सिंगल कैपिटल टाउन रहे हैं. उनका कारण था कुछ रूलर्स ने अपने कैपिटल्स डिफरेंट एस्टैब्लिश किए थे, वेयर एज मेजरली ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें या मेजर इंडियन रूलर्स की बात करें, तो उन सभी ने रूल किया है एक सिंगल कैपिटल टाउन पे, विच वॉज दिल्ली. दिल्ली वॉज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और कैपिटल टाउन एट दैट टाइम एंड ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. दिल्ली मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इसलिए रहा है क्योंकि वहां पर इजीली दिल्ली से हर जगह को कंट्रोल किया जा सकता था, एडमिनिस्टर किया जा सकता था पूरे इंडिया को. दैट इज वाई दिल्ली मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा है. उसके अलावा जो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स रहे हैं वो हैं आगरा, लाहौर, थंजावर एंड हम्पी. ये भी इंपॉर्टेंट कैपिटल टाउन्स रहे हैं अपने टाइम के. एक न्यू कैपिटल टाउन सामने आया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी. इसकी स्थापना भी अकबर ने ही की थी. अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से. वो काफी इंटरेस्टिंग सा रीजन है, प्लस फतेहपुर सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी ही क्यों पड़ा, इसका भी एक काफी इंटरेस्टिंग रीजन है जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. तो अभी हम पढ़ रहे थे कैपिटल टाउन के बारे में. कैपिटल टाउन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ा दूं मैं आपको, तो वो होती है द प्लेसेस वेयर मिडाइवल रूलर्स हेल्ड कोर्ट, डेवलप्ड इनटू टाउन्स एंड बिकेम द सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो ऐसी प्लेसेस जहां पर मिडाइवल रूलर्स ने राज किया, वो ऐसे सेंटर्स बन गए जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर किया जाता था. दैट इज व्हाई इन टाउन्स को कहा गया कैपिटल टाउन्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. सिटीज लाइक लाहौर, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद एंड अलाहाबाद, ये सारी सिटीज काफी प्रॉस्परस सिटीज थी, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इस्लामिक कैरेक्टर देखा गया है. इस्लामिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि इन सिटीज में इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले कई सारे लोग देखे गए हैं. दैट इज वाई ये जो सिटीज हुआ करती थी, इन सिटीज में इस्लामिक रिलीजन से रिलेटेड कई सारी चीजें देखने को मिली है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ के फोर्ट्स या पैलेसेस हुआ करते थे, उसमें इस्लामिक कैरेक्टर देखने को मिलता है. यहाँ पर कई सारे मॉस्क हैं, टॉम्स हैं, मदरसा है, बाजार है, सराय है, तो ये सारी चीजें इन सिटीज में देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था. अब टाउन्स को साइज के अकॉर्डिंग हायरार्की में डिवाइड किया गया है. जो सबसे छोटे टाउन्स हुआ करते थे उन्हें कहा गया कस्बा. क्या कहा गया? कस्बा. सो कस्बाज वर द स्मॉलेस्ट टाउन्स. कस्बा में जो मार्केट हुआ करता था उसे कहते थे मंडी. कस्बा से जो बड़े टाउन हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था परगनास. सो द लार्जर टाउन्स वर नोन एज परगनास एंड देवर द परगनास वर ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. देन केम द प्रोविंशियल और इम्पीरियल टाउन्स लाइक आगरा, दिल्ली एंड लाहौर. दीज वर मोर लार्ज टाउन्स. दीज वर लार्जर देन द लार्जर टाउन्स. ओके, सो इट्स फनी बट यस, स्मॉलेस्ट टाउन्स वर नोन एज कस्बास, द लार्जर टाउन्स वर नोन एज परगनास एंड द लार्ज एंड देन देयर केम प्रोविंशियल टाउन्स और इम्पीरियल टाउन्स लाइक आगरा, दिल्ली एंड लाहौर. स्मॉल टाउन्स की बात करें तो स्मॉल टाउन्स इमर्ज्ड ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड. स्मॉल टाउन्स इमर्ज्ड फ्रॉम लार्ज विलेजेस. लार्ज विलेजेस से इमर्ज हुए स्मॉल टाउन्स. ऐसा इसलिए
अब इनको इनको स्मॉल स्मॉल टाउन्स टाउन्स क्यों क्यों कहा कहा गया? गया? दीज दीज वर वर यूजुअली यूजुअली ओपन ओपन पब्लिक पब्लिक स्पेसेस स्पेसेस वेयर वेयर पीपल पीपल फ्रॉम फ्रॉम नियर नियर बाय बाय विलेजेस विलेजेस बॉट बॉट देयर देयर प्रोड्यूस प्रोड्यूस टू टू सेल। सेल। ये ये ओपन ओपन पब्लिक पब्लिक स्पेसेस स्पेसेस हुआ हुआ करते करते थे थे स्मॉल स्मॉल टाउन्स, टाउन्स जहाँ जहाँ पर पर आसपास आसपास की की विलेज विलेज के के लोग लोग आते आते थे थे अपनी अपनी उनके उनके जो जो भी भी प्रोडक्शन प्रोडक्शन हुआ हुआ करता करता था था उनके उनके खेतों खेतों में, में, या या फिर फिर वो वो जो जो भी भी काम काम करते करते थे थे अपने अपने प्रोफेशन प्रोफेशन की की चीजें चीजें लेकर लेकर आते आते थे थे ताकि ताकि उनको उनको सेल सेल कर कर सके सके या या फिर फिर दूसरी दूसरी चीजें चीजें परचेज परचेज कर कर सके। सके। सो सो ऐसे ऐसे टाउन्स टाउन्स में में कुछ कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रीट्स स्ट्रीट्स हुआ हुआ करती करती थी, थी, ऐसे ऐसे एरियाज एरियाज हुआ हुआ करते करते थे थे जहाँ जहाँ पर पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स काइंड्स ऑफ ऑफ क्राफ्ट्समैन क्राफ्ट्समैन बैठते बैठते थे, थे, अलग 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 तरह तरह के के क्राफ्ट्समैन क्राफ्ट्समैन स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली उन उन स्ट्रीट्स स्ट्रीट्स में में बैठा बैठा करते करते थे। थे। फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल पॉटर, पॉटर, स्टोन्स स्टोन्स मेसन, मेसन, स्टोन स्टोन मेसन्स, मेसन्स, ऑयल ऑयल प्रेसर्स प्रेसर्स एंड एंड आयरन आयरन स्मिथ। स्मिथ। तो तो ये ये अलग 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 प्रोफेशन प्रोफेशन के के लोग लोग स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्ट्रीट्स स्ट्रीट्स में में बैठा बैठा करते करते थे थे और और वहां वहां पर पर अपना अपना वर्क वर्क टिकआउट टिकआउट करते करते थे। थे। वाइल वाइल सम सम ट्रेडर्स ट्रेडर्स लिव्ड लिव्ड इन इन द द टाउन, टाउन, सम सम ऑफ ऑफ देम देम हैड हैड टू टू ट्रैवल ट्रैवल टू टू बाय बाय लोकल लोकल प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स एंड एंड सेल सेल प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रॉम फार फार अवे अवे प्लेसेस। प्लेसेस। ऑल ऑल दो दो कुछ कुछ जगहों जगहों पर पर कुछ कुछ इन इन स्मॉल स्मॉल टाउन्स टाउन्स में में कई कई लोग लोग तो तो वहां वहां पर पर लोकली लोकली रहते रहते थे थे तो तो उनको उनको कोई कोई इशू इशू नहीं नहीं था, था, पर पर कुछ कुछ लोग लोग जो जो आते आते थे थे वो वो दूसरी दूसरी जगह जगह से से आते आते थे थे फार फार अवे अवे प्लेसेस प्लेसेस से से आते आते थे थे अपने अपने प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स को को सेल सेल करने करने के के लिए। लिए। यूजुअली यूजुअली जो जो लोकल लोकल जमींदार जमींदार होते होते थे, थे, द लोकल जमींदार जमींदार हैड हैड दी दी राइट राइट टू टू लेवी लेवी टैक्सेस। टैक्सेस। लेवी लेवी टैक्सेस टैक्सेस मतलब मतलब टैक्सेस टैक्सेस लगाने लगाने का का जिम्मेदारी जिम्मेदारी किसकी किसकी थी? थी? जमींदार जमींदार की। की। बट बट समटाइम्स समटाइम्स एट एट सम सम प्लेसेस प्लेसेस टेम्पल टेम्पल अथॉरिटीज अथॉरिटीज वर वर गिवन गिवन द द राइट्स राइट्स बाय बाय द द रूलर्स रूलर्स टू टू लेवी लेवी टैक्सेस टैक्सेस एंड एंड टू टू कलेक्ट कलेक्ट टैक्सेस टैक्सेस ऑल्सो। ऑल्सो। ओके, ओके, देन देन केम केम कम्स कम्स द द टेम्पल टेम्पल टाउन्स। टाउन्स। तो तो टेम्पल टेम्पल टाउन्स टाउन्स वर वर ऑल्सो ऑल्सो पिलग्रिमेज पिलग्रिमेज सेंटर्स। सेंटर्स। मिडावल मिडावल पीरियड पीरियड के के दौरान दौरान कई कई सारे सारे पिलग्रिम पिलग्रिम सेंटर्स सेंटर्स और और टेम्पल टेम्पल टाउन्स टाउन्स डेवलप डेवलप हुए हुए और और डेवलप डेवलप होके होके वो वो बन बन गए गए अर्बन अर्बन टाउन्स। टाउन्स। ये ये आगे आगे बढ़े बढ़े और और डेवलप डेवलप होके होके बन बन गए गए अर्बन अर्बन टाउन्स। टाउन्स। ऐसा ऐसा क्यों क्यों हुआ? हुआ? टेम्पल टेम्पल टाउन्स टाउन्स का का नाम नाम से से हमें हमें समझ समझ आ आ रहा रहा है है कि कि ऐसे ऐसे टाउन टाउन जो जो कि कि किसी किसी टेम्पल टेम्पल के के अराउंड अराउंड एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश हुए हुए हैं हैं और और उस उस टेम्पल टेम्पल के के होने होने की की वजह वजह से से वो वो फ्लोरिश फ्लोरिश हुए हुए और और उनका उनका जो जो इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस है है वो वो इंक्रीज इंक्रीज हुई हुई और और वहाँ वहाँ का का जो जो एरिया एरिया है है वो वो इंक्रीज इंक्रीज होता होता गया गया और और कई कई सारे सारे लोग लोग वहाँ वहाँ पर पर आके आके सेटल सेटल होने होने लगे। लगे। तो तो टेम्पल टेम्पल टाउन्स टाउन्स ऐसे ऐसे टाउन्स टाउन्स हैं हैं जो जो किसी किसी टेम्पल टेम्पल की की वजह वजह से से एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश होते होते हैं। हैं। टेम्पल्स टेम्पल्स वर वर द द सेंट्रल सेंट्रल टू टू इकोनॉमी इकोनॉमी एंड एंड सोसाइटी। सोसाइटी। उस उस जगह जगह के के ऑब्वियसली ऑब्वियसली टेम्पल टेम्पल टाउन्स टाउन्स का का जो जो इकोनॉमी इकोनॉमी का का स्रोथ स्रोथ है, है, जो जो सेंटर सेंटर ऑफ ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमी है, है, वो वो क्या क्या होता होता है? है? टेम्पल्स टेम्पल्स होते होते हैं हैं क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि कई कई सारे सारे जो जो डिवोटीज डिवोटीज हैं हैं वो वो डोनेशंस डोनेशंस देते देते हैं हैं वहाँ वहाँ पर पर टेम्पल्स टेम्पल्स में। में। प्लस प्लस जो जो रूलर्स रूलर्स हुआ हुआ करते करते थे थे वो वो ग्रांट्स ग्रांट्स लैंड लैंड ग्रांट्स ग्रांट्स दिया दिया करते करते थे, थे, मनी मनी ग्रांट्स ग्रांट्स दिया दिया करते करते थे थे टेम्पल्स टेम्पल्स में। में। तो तो ये ये जो जो सारी सारी मनी मनी कलेक्ट कलेक्ट होती होती थी थी ये ये टेम्पल्स टेम्पल्स के के ही ही रिचुअल्स रिचुअल्स में, में, सेरेमोनीज सेरेमोनीज या या फेस्टिवल फेस्टिवल की की सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन में में यूज यूज की की जाती जाती थी थी एंड एंड फाइनेंस फाइनेंस ट्रेड ट्रेड एंड एंड बैंकिंग। बैंकिंग। दे दे ऑल्सो ऑल्सो यूज यूज देयर देयर वेल्थ वेल्थ टू टू सपोर्ट सपोर्ट एंड एंड प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट पीपल पीपल ऑफ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस प्रोफेशंस सच सच एज एज प्रीस्ट्स, प्रीस्ट्स, आर्टिसंस, आर्टिसंस, वर्कर्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स ट्रेडर्स एंड एंड मेनी मेनी मोर। मोर। ये ये उस उस वेल्थ वेल्थ को को यूज यूज करते करते थे थे कई कई अलग 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 प्रोफेशंस प्रोफेशंस के के लोगों लोगों को को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने करने में, में, जैसे जैसे कि कि प्रीस्ट, प्रीस्ट, आर्टिसंस, आर्टिसंस, वर्कर्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स ट्रेडर्स एंड एंड मेनी मेनी मोर। मोर। इनको इनको कैसे कैसे प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट किया किया जाता जाता था था कि कि जो जो प्रीस्ट प्रीस्ट हुआ हुआ करते करते थे, थे, अब अब ये ये ऐसी ऐसी कैटेगरी कैटेगरी है है जिनको जिनको टेम्पल टेम्पल की की वजह वजह से से ही ही इनकम इनकम होती होती है है इनकी। इनकी। दैट दैट इज इज वाई वाई टेम्पल टेम्पल तो तो मेन मेन सोर्स सोर्स ऑफ ऑफ इनकम इनकम हुआ हुआ करता करता था था इन इन लोगों लोगों के के लिए। लिए। आर्टिसंस, आर्टिसंस, वर्कर्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स ट्रेडर्स अपनी अपनी प्रोफेशंस प्रोफेशंस को को टेम्पल्स टेम्पल्स के के आसपास आसपास कैरी कैरी आउट आउट करते करते थे थे और और उसी उसी वजह वजह से से उन्हें उन्हें काफी काफी प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ हुआ करता करता था। था। दीज दीज पीपल पीपल वुड वुड सेटल सेटल इन इन द द एरियाज एरियाज नियर नियर द द टेम्पल्स टेम्पल्स टू टू केटर केटर टू टू द द नीड्स नीड्स ऑफ ऑफ पिलग्रिम्स पिलग्रिम्स एंड एंड डिवोटीज डिवोटीज विच विच लेड लेड टू टू द द ग्रोथ ग्रोथ ऑफ ऑफ टेम्पल टेम्पल टाउन्स। टाउन्स। और और इसी इसी की की वजह वजह से से टेम्पल टेम्पल टाउन्स टाउन्स की की ग्रोथ ग्रोथ हुई हुई क्योंकि क्योंकि ये ये लोग लोग वहां वहां पर पर रिजाइड रिजाइड करने करने लगे लगे और और अपने अपने प्रोफेशन प्रोफेशन  को को  को```  ```  `````````
टेम्पल टेम्पल`````````
एक्सपेक्टेशन को वहां पर कैरी आउट करने लगे। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स के नाम हैं थंजावर, कांचीपुरम एंड मदुरई विच इज इन तमिलनाडु, तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, सोमनाथ इन गुजरात एंड विदिशा इन मध्य प्रदेश। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेडाइवल टेम्पल टाउन्स। पिलग्रिमेज सेंटर्स वर ऑल्सो फेमस एट दैट टाइम। पिलग्रिमेज सेंटर्स फॉर एग्जाम्पल वाराणसी विच इज ऑल्सो नोन एज बनारस और काशी, वृंदावन, मथुरा एंड अलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो डेवलप्ड इन टू टाउन्स। तो ये जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हुआ करते थे ये भी फेमस टाउन्स में डेवलप हो गए। राजस्थान में एक टाउन है अजमेर जो कि फेमस है फॉर बोथ रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स। रिलीजियस फीचर के लिए क्यों फेमस है, क्योंकि वहां पर सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो कि इस्लामिक कैरेक्टर को शो करती है। प्लस वहां पर अजमेर के पास में एक लेक है पुष्कर लेक जो कि काफी सारे पिलग्रिम्स के अट्रैक्शन का पॉइंट है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर क्या है, क्योंकि वहां पर से एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट किया जाता था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। दैट इज वाई जो अजमेर है वो फेमस है फॉर बोथ रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स। ओके, हियर इट इज गिवन। नेक्स्ट कम्स द पोर्ट टाउन्स। पोर्ट टाउन्स ऐसे होते हैं जो कि
पोर्ट के अराउंड सिचुएटेड होते हैं। पोर्ट मतलब बंदरगाह, बंदरगाह पे क्या होता है, शिप्स आके खड़े होते हैं। तो नाम से हम इजीली समझ सकते हैं कि पोर्ट टाउन्स किस तरह के टाउन्स हुआ करते होंगे। सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन्स आर कैम्बे, सूरत एंड भरूच इन गुजरात, मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, एंड कोची इन एंड कालीकट इन केरला। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन्स थे मिडेवल पीरियड के। इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन, सबसे रिचेस्ट पोर्ट टाउन है वो है कैम्बे। कैम्बे वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिचेस्ट पोर्ट टाउन्स, पोर्ट्स एंड ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के दौरान सबसे जो रिचेस्ट पोर्ट टाउन रहा है वो है कैम्बे। इट वॉज अ फ्लोरिशिंग टाउन व्हेन द पोर्चुगीज सेट अप देयर कॉलोनीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जब पोर्चुगीज ने अपनी कॉलोनी सेटअप करी थी इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे, तब ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिशिंग टाउन रहा है। कैम्बे वॉज फेमस फॉर कटिंग एगेट्स। एगेट एक तरह के सेमी प्रीशियस स्टोन हुआ करते हैं, तो उसकी कट आउट मटीरियल से अलग अलग चीज़ें बनाती थी। एगेट्स को काट कर अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी, फॉर एग्जाम्पल बीड्स, नाइफ हैंडल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो क्या एगेट को कट करके अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी और इसको परचेस करने दूर दूर से लोग आते थे। दैट इज़ वाई इट वॉज ऑल्सो फेमस फॉर कटिंग एगेट्स। क्योंकि पोर्ट टाउन्स फ्लोरिश हो रहे थे, तो पोर्ट टाउन्स के फ्लोरिश होने से जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। काफ़ी बेनिफिट अब हुआ क्यों? क्योंकि पोर्ट्स इंडिया के जितने भी शिप्स होते थे वो सारे 17th सेंचुरी तक इंडिया में ही प्रोड्यूस होते थे। इंडिया में जो यूज़ किए जाने वाले शिप थे वो उसका प्रोडक्शन 17th सेंचुरी, अर्ली 17th सेंचुरी तक इंडिया में ही प्रोडक्शन होता था। दैट इज़ वाई जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हो रही थी पोर्ट टाउन्स की वजह से। नेक्स्ट कम्स द क्राफ्ट टाउन्स। क्राफ्ट टाउन्स ऐसे टाउन्स हुआ करते हैं जहाँ पर क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जाती थी। क्राफ्ट टाउन्स फेमस इसलिए हुए क्योंकि एक स्पेसिफिक टाउन में एक अलग ही तरह का ऊनी की स्पेशलिटी का वर्क परफॉर्म किया जाता था जो कि कहीं और अवेलेबल नहीं होता था। और ये स्पेशलिटी उनके लोगों की हुआ करती थी। वहाँ पर जो लोग होते थे जो ये क्राफ्ट को कैरी आउट करते थे, उनकी स्किल्स और टेक्निक्स की वजह से वहाँ की कमोडिटी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ट्रीट की जाती थी और लोगों के द्वारा पसंद की जाती थी। सो सम ऑफ द क्राफ्ट टाउन्स विच वर फेमस एट दैट टाइम वर बिदार विच वॉज इन कर्नाटका। बिदार एक फेमस पोर्ट क्राफ्ट टाउन हुआ करता था कर्नाटका में, एंड इट वॉज फेमस फॉर बिदरी। बिदरी उसका आर्टवर्क है बिदार का, बिदार के नाम से ही नाम पड़ा है बिदरी। तो बिदरी बिदार का आर्टवर्क है जो कि कर्नाटका में है। बिदरी में क्या होता है, इट इज एन इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। तो कॉपर और सिल्वर को यूज करके एक इनले वर्क किया जाता है, उसे कहा जाता है बिदरी। इट इज फेमस वर्क ऑफ बिदार विच इज इन कर्नाटका। नेक्स्ट इज पाटन विच इज इन गुजरात। इट इज फेमस फॉर इट्स डाइंग टेक्निक्स, क्लॉथ डाइंग टेक्निक्स के लिए फेमस है पाटन। देन कम्स मुर्शिदाबाद विच इज इन वेस्ट बंगाल, एंड इट वॉज फेमस सेंटर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क। अलग अलग तरह के सिल्क के लिए फेमस है मुर्शिदाबाद। बयाना जो है वो अपने इंडिगो के लिए फेमस है। इंडिगो मतलब नील। अवध में एक जगह है खैराबाद विच इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स का मतलब कपड़े के थान, लंबे के लंबे थान को कहा जाता है टेक्सटाइल। सो खैराबाद इज फेमस फॉर टेक्सटाइल्स। चोला डायनेस्टी में कुछ आर्टिसन हुआ करते थे जो कि फेमस थे इंट्रिकेट ब्रॉन्ज इमेजेस बनाने में, मतलब कि काफी ब्यूटीफुल फाइन ब्रॉन्ज इमेजेस बनाते थे वो, काफी बारीक काम करते थे उसमें। दैट इज व्हाई वो ब्रॉन्ज इमेजेस काफी फेमस हुआ करती थी। नेक्स्ट कम्स द फाउंडेड टाउन्स। तो फाउंडेड टाउन्स वो टाउन्स होते हैं जिनको फाउंड किया गया है किसी पर्टिकुलर पर्पस से, उनको बनाया गया है, ठीक है। बाकी जो सारे टाउन्स थे वो तो किसी वजह से अपने आप फ्लोरिश होते गए, पर फाउंडेड टाउन्स ऐसे टाउन है जिन्हें जिनको अपनी मर्जी से एस्टैब्लिश किया गया है। सो फाउंडेड जो टाउन्स थे वो कई सारे रूलर्स ने एस्टैब्लिश किए। अब फाउंडेड टाउन्स की स्पेशलिटी ये थी कि फाउंडेड टाउन्स को जागीरदार ही एस्टैब्लिश किया करते थे। मुगल पीरियड में कई सारे फाउंडेड टाउन्स देखने को मिले हैं। जागीरदार एक हाई स्टैंडर्ड हाई पोजीशन का पर्सन हुआ करता था जो कि फाउंडेशन रखते थे टाउन्स की विद द सपोर्ट ऑफ एम्परर। एम्परर उनको सपोर्ट करता था और उसकी उन्हीं के सपोर्ट से स्थापना की जाती थी फाउंडेड टाउन्स की। फॉर एग्जाम्पल शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक टाउन है जो कि अफगान जागीरदार ब्रदर्स ने स्थापना करी है, जिसकी फाउंडेशन ले करी है 2000
दिलेर खान एंड खान एंड बहादुर बहादुर खान, खान, क्योंकि क्योंकि ये ये राज राज जो जो मुगल मुगल एम्परर एम्परर शाहजहां शाहजहां के के सपोर्ट सपोर्ट में में बना बना है, है, दैट दैट इज इज व्हाई व्हाई इट्स इट्स नोन नोन एज एज शाहजहांपुर. शाहजहांपुर. नेक्स्ट नेक्स्ट कम्स कम्स द द मुरादाबाद. मुरादाबाद. मुरादाबाद मुरादाबाद की की स्थापना स्थापना करी करी है है प्रिंस प्रिंस मुराद मुराद ने, ने, हु हु वाज वाज द द सन सन ऑफ ऑफ शाहजहां. शाहजहां. ओके. ओके. टाउन्स टाउन्स लाइक लाइक फरुखाबाद फरुखाबाद एंड एंड गाजियाबाद गाजियाबाद वर वर फाउंडेड फाउंडेड इन इन द द 18th 18th सेंचुरी. सेंचुरी. फतेहपुर फतेहपुर सीकरी, सीकरी, जिसकी जिसकी बात बात मैंने मैंने चैप्टर चैप्टर की की स्टार्टिंग स्टार्टिंग में में की की थी, थी, उसी उसी का का नाम नाम अभी अभी आ आ गया गया है. है. फतेहपुर फतेहपुर सीकरी सीकरी वॉज वॉज बिल्ट बिल्ट बाय बाय अकबर. अकबर. फतेहपुर फतेहपुर सीकरी सीकरी बनाई बनाई गई गई थी थी क्योंकि क्योंकि अकबर अकबर एक एक सूफी सूफी सेंट सेंट रहा रहा थे, थे, उनका उनका नाम नाम था था सलीम सलीम चिश्ती. चिश्ती. उनको उनको रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट पे पे करना करना चाहते चाहते थे, थे, दैट दैट इज इज व्हाई व्हाई फतेहपुर फतेहपुर सीकरी सीकरी की की स्थापना स्थापना हुई. हुई. फतेहपुर फतेहपुर सीकरी सीकरी का का नाम नाम फतेहपुर फतेहपुर सीकरी सीकरी ही ही क्यों क्यों पड़ा? पड़ा? तो तो इसका इसका रीजन रीजन है, है, फर्स्ट फर्स्ट रीजन, रीजन, सीकरी सीकरी इसलिए इसलिए क्योंकि क्योंकि जो जो सलीम सलीम चिश्ती चिश्ती थे थे वो वो विलेज विलेज सीकरी सीकरी में में रहते रहते थे. थे. फतेहपुर फतेहपुर इसलिए इसलिए क्योंकि क्योंकि उस उस टाइम टाइम पे पे अकबर अकबर ने ने गुजरात गुजरात के के ऊपर ऊपर विक्ट्री विक्ट्री हासिल हासिल की की थी, थी, फतेह फतेह हासिल हासिल करी करी थी, थी, दैट दैट इज इज व्हाई व्हाई इट इट इज इज नोन नोन एज एज फतेहपुर फतेहपुर सीकरी. सीकरी. ओके. ओके. फतेह फतेह मतलब मतलब विक्ट्री, विक्ट्री, पर्जियन पर्जियन में में विक्ट्री विक्ट्री को को फतेह फतेह कहते कहते हैं, हैं, दैट दैट इज इज व्हाई व्हाई फतेहपुर फतेहपुर सीकरी. सीकरी. ओके. ओके. अब अब जो जो ये ये फाउंडेड फाउंडेड टाउन्स टाउन्स थे, थे, इनको इनको पॉपुलेट पॉपुलेट करना करना जरूरी जरूरी था, था, मतलब मतलब इसमें इसमें पॉपुलेशन पॉपुलेशन होनी होनी चाहिए. चाहिए. तो तो कई कई बार बार ऐसा ऐसा होता होता था था कि कि फोर्सिबली फोर्सिबली लोगों लोगों को को भेजा भेजा जाता जाता था था इन इन टाउन्स टाउन्स में. में कई कई टाइम्स टाइम्स पे पे ऐसा ऐसा होता होता था था कि कि कंसेशन कंसेशन प्रोवाइड प्रोवाइड करके करके लोगों लोगों को को भेजा भेजा जाता जाता था, था, और और कुछ कुछ कई कई बार बार ऐसा ऐसा होता होता था था कि कि लोग लोग खुद खुद मूव मूव कर कर जाते जाते थे थे इन इन टाउन्स टाउन्स में, में, ताकि ताकि उन्हें उन्हें ज्यादा ज्यादा बेटर बेटर अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज मिल मिल सके. सके. सो सो दिस दिस इज इज ऑल ऑल अबाउट अबाउट द द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ टाउन्स, टाउन्स, एंड एंड दैट्स दैट्स ऑल ऑल अबाउट अबाउट दिस दिस लेक्चर. लेक्चर. विल विल कंटिन्यू कंटिन्यू दिस दिस चैप्टर चैप्टर इन इन आवर आवर नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर एंड एंड स्टडी स्टडी अबाउट अबाउट ट्रेडर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस आर्टिसंस एंड एंड क्राफ्ट्समैन. क्राफ्ट्समैन. सो सो दैट्स दैट्स ऑल ऑल अबाउट अबाउट दिस दिस लेक्चर. लेक्चर. थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच मच स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स. कीप कीप स्टडिंग. स्टडिंग.